रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी के तहत रुद्रप्रयाग के नगरीय क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। जिला मुख्यालय के बेलिनी पुल के समीप बने दो दुकानों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया है, जबकि शहर में अन्य जगहों पर भी चिन्हीकरण किया गया है और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, जिसके तहत पुलिस अवैध अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी तत्क्रम में बेलनी पुल में भी यही कार्रवाई की जा रही है। बेलनी पुल में कल शाम को दो जगह अतिक्रमण हुआ था, उसका हटवाया गया है। आज भी दो अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं बेलनी पुल पर। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमको देखना पड़ेगा जिस प्रकार से जो रेड़ी वाले हैं या ठेली वाले हैं उनको हमारा कर्तव्य बनता है, उन पहले उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। तो जहाँ भी जगह खाली मिलती है सबसे पहले उनको वहाँ पर रोजगार मिले, जिसकी दुकानें आज टूट रही हैं। मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपने अतिक्रमण के कारण इनकी दुकानें तोड़ी हैं तो इनको दूसरी जगह बसावट दी जाए, ताकि इनके जो बाल बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कई परिवार इस दुकान से चलते हैं लोगों के, तो मैं यही चाहूँगा कि इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और उनको स्वरोजगार और रोजगार दिया जाए।